आज हम जा रहे हैं बेट द्वारिका। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। तो देखो वहाँ पे मेला भी लग रखा है, वहाँ पे देखो झूला, वो बहुत ऊपर तक जाता है। यति हेलो मिशु ये मेरी दोनों बहनें हैं जो कि तैयार हो गई है अभी जाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं रुक्मणी देवी टेंपल, जो कि द्वारका से 3.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। माता रुक्मणी श्री कृष्ण जी की पहली पत्नी थी, जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार हैं। फ्रेंड्स कहा जाता है यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना है, लेकिन समय के साथ इसका पुनर्निर्माण किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने दर्शन कर लिए मंदिर के। मम्मी देखो वहाँ पे बैठी है गाड़ी पे। फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं बेट द्वारिका जी के लिए, जो कि एक द्वीप है। यह ओखा तट से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ बोट से जाया जाता है। कहा जाता है कि यह द्वीप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए मूल द्वारिका का हिस्सा है और यहाँ श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र श्री सुदामा से मिले थे, इसलिए भक्त इस जगह को बेट द्वारिका बोलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मकर ध्वज मंदिर, जो कि हनुमान जी के बेटे माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई, तो उनके पसीने की एक बूंद एक शक्तिशाली मकर के मुंह में गिर गई, जिसके पश्चात मकर के पेट से मकर ध्वज का जन्म हुआ, जो वानर और सरीसृप थे। अभी हम पहुंच गए हैं नागों के देवता श्री नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग। यह भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर शब्द का अर्थ होता है नागों के देवता। नागेश्वर लिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष जैसे दिखता है। शिव के साथ माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मंदिरों का पौराणिक महत्व माना जाता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर पूजा की जाती है।
लाइटिंग भी हो रही है उधर की तरफ, और देखो ये हमारा लाइट हाउस। हाई टाइड्स बहुत दूर की हाई टाइड्स होती है। हाई टाइड्स होता है जब समुद्र का पानी रेत तक आ जाता है, ये हाई टाइड्स हो गया। अब हम रूम में आ गए हैं, हम सारी जगह घूम लिए, हम मेले में भी गए, वहाँ पे हमने सारे झूले झूल लिए, आइसक्रीम भी खाई और हम बहुत सारे मंदिर भी गए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, उसको तो परेशान।